हेलो एवरीवन, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11th के इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसका यूनिट फर्स्ट है। यूनिट फर्स्ट में दो चैप्टर है, उसमें हम समझेंगे डेवलपमेंट पॉलिसीज और एक्सपीरियंस। 1947 के टाइम पर हमारी इकोनॉमी कैसी थी और 1947 के बाद हमारी इकोनॉमी कैसी थी, उसको समझना है। तो मतलब पहले पार्ट में हम देखेंगे 1947 से पहले की इकोनॉमी और 1947 के बाद की इकोनॉमी दूसरे पार्ट में देखेंगे। इकोनॉमी क्या होता है पहले उसको समझ लीजिए। इकोनॉमी मतलब एक ऐसा जगह, ऐसा प्लेस जहाँ पर तीन काम होता है, प्रोडक्शन, कंजम्पशन और एक्सचेंज। किसी भी चीज़ को बनाया जाता है, उसको यूज़ किया जाता है और उसको एक्सचेंज किया जाता है। मान लीजिए कि मेरे इंडिया में, मान लीजिए कि इंडिया में एक बिस्कुट बना, ओरियो बिस्कुट, ठीक है। उसको मैंने क्या किया, रुपया दिया, बना मतलब प्रोडक्शन हुआ, उसको मैंने रुपया दिया और रुपया देकर ख़रीदा ओरियो बिस्किट को। तो मतलब मैंने क्या किया, ओरियो बिस्किट के बदले मैंने रुपया दिया, तो दैट इज़ एक्सचेंज, एक्सचेंज हो गया। उसके बाद मैंने जब ख़रीदा ओरियो को तो मैं उसको खाऊंगा यानी यूज़ करूंगा, तो हो गया कंज्यूम। तो अगर किसी भी जगह पर तीन काम होता है, प्रोडक्शन, कंजम्पशन और एक्सचेंज, तो हम उसको बोलते हैं इकोनॉमी। अगर इंडिया में हो रही है तो इंडियन इकोनॉमी, अमेरिका में हो रही है तो अमेरिकन इकोनॉमी, ब्रिटेन में हो रही है तो ब्रिटिश इकोनॉमी, ठीक है। चलिए, तो इकोनॉमी हमें समझना है। सबसे पहले क्या लिख रहा है, देखिए, द टू चैप्टर्स, दो चैप्टर जो है इन दिस यूनिट, इस यूनिट में गिव अस एन ओवरव्यू, वो हमें एक ओवरव्यू देता है, एक इंट्रोडक्शन देता है ऑफ द स्टेट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी के स्टेट का, यानी कि इंडियन इकोनॉमी के कंडीशन का, एज इट वॉज एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, जैसे कि ये था इंडिपेंडेंस के समय में, टिल आफ्टर फोर डिकेट्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट, और इंडिपेंडेंस से लेकर 40 साल बाद तक, यानी कि 47 से लेकर 90 तक कैसा रहा हमारा इकोनॉमी का स्टेट, मतलब कंडीशन, वो हम पढ़ेंगे इस दो चैप्टर में। विच वॉज ए पथ, अब प्लान डेवलपमेंट क्या है जो हम इकोनॉमी पढ़ेंगे इस 40 साल की इकोनॉमी, वो है ए पथ दैट इंडिया चूज, एक जो प्लान डेवलपमेंट का पथ है वो इंडिया ने चूज़ किया। तो क्या था प्लान डेवलपमेंट, इस 40 साल की इकोनॉमी में प्लान डेवलपमेंट का क्या कंट्रीब्यूशन है, वो पढ़ेंगे। तो दिस मीन्स, इसका ये मतलब है कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड टू टेक अ सीरीज ऑफ स्टेप्स, इंडिया की गवर्नमेंट को बहुत सारा कदम उठाना पड़ा, सच एज, जैसे कि establishment of the planning commission, planning commission की establishment हुई, an announcement of 5-year plans, और 5-year plans लाना पड़ा। तो government को कुछ steps उठाना पड़ा था, जैसे planning commission establish करना पड़ा, 5-year plans लाना पड़ा। an overview, एक overview of the goals of 5-year plans, हम एक overview देखेंगे 5-year plans के goal का, and a critical appraisal of the merits and limitations of plan development, और प्लान डेवलपमेंट के जो भी मेरिट्स हैं या डीमेरिट्स हैं, ठीक है, कि कितना हमारे लिए अच्छा है प्लान डेवलपमेंट और कौन कौन से एरिया में प्लान डेवलपमेंट काम नहीं कर पाया, इसको भी कवर किया जाएगा इस यूनिट में, ठीक है। चलिए, तो हमारा फर्स्ट, सबसे पहले चैप्टर का नाम क्या है, तो चैप्टर का नाम है इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी मतलब आप समझ रहे ना कि इंडिया, जहाँ पर प्रोडक्शन भी हो रहा है, सामान बन भी रहे हैं, उसको लोग कंज्यूम भी कर रहे हैं और उसको एक्सचेंज भी कर रहे हैं। तो हमारी जो इकोनॉमी है, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के समय पर, इंडिपेंडेंस के शाम में कैसी थी, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे कि इंडिपेंडेंस के समय हमारी इकोनॉमी कैसी थी। जब हम ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे तो हमें क्या चीज़ समझ में आ जाएगा, इस चैप्टर के थ्रू हम समझेंगे कि 1947 पर इंडिया की इकोनॉमी कैसी थी। उसके बाद हम ये समझेंगे कि क्या वजह है कि हमारी इकोनॉमी अंडर डेवलप थी और स्टैग्नेटेड थी, मतलब हमारी इकोनॉमी डेवलप नहीं थी उस टाइम पर और हमारी इकोनॉमी में बहुत सारी खामियां थी, बहुत सारे डिमेरिट्स थे। चलिए, एक यहाँ पर 1894 के टाइम पर एक वॉइसरॉय हुआ करते थे अंग्रेज़ों के, जिनका नाम था विक्टर अलेक्जेंडर रूस। इनके एक स्टेटमेंट है कि इंडिया इज़ द पाइवट, मतलब पिलर ऑफ आवर एम्पायर, हमारे एम्पायर का, हमारे साम्राज्य का, वो ब्रिटिश है ना, इसलिए वो अपने आवर कह रहे हैं, क्योंकि ब्रिटेन का ही तो था कॉलोनी इंडिया, तो हमारे साम्राज्य का पिलर है इंडिया। इफ़ द एम्पायर लॉजेज एनी अदर पार्ट ऑफ इट्स डोमिनियन, अगर ब्रिटिश साम्राज्य का कोई भी अदर कॉलोनीज उसके यहाँ से चला जाता है तो ब्रिटिश एम्पायर उसको मैनेज कर लेगा,
बट इफ़ वी लूज इंडिया, लेकिन अगर हम इंडिया हार जाते हैं, सन ऑफ आवर एम्पायर विल सेट, तो हमारा एम्पायर बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा, ऐसा कहना था उनका, ठीक है, जो वॉइस रॉय थे व्रूज साहब। अब देखिए इंट्रोडक्शन, क्यों हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, इस पूरे बुक को क्यों पढ़ रहे हैं उसको समझते हैं। द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ दिस बुक, मेन जो ऑब्जेक्ट है ना, मेन एम जो है इस बुक का, ये जो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट नाम की बुक है, उसका मेन एम क्या है, इज़ टू फैमिलराइज यू विद द बेसिक फीचर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। आपको इंडियन इकोनॉमी के बेसिक फीचर्स को समझाना, ये जो इकोनॉमी है इंडिया की, आखिर हम इसको इंडियन इकोनॉमी क्यों कहते हैं उसको समझाना, एंड इट्स डेवलपमेंट, और इंडियन इकोनॉमी डेवलप कैसे हुई उसको समझाना मेन उद्देश्य है इस पूरे चैप्टर का। एज इट इज़ टुडे इन द आफ्टरमथ ऑफ इंडिपेंडेंस, तो आज के टाइम पर हमारी इकोनॉमी इतना ज़्यादा डेवलप क्यों हुई, होती क्या है इकोनॉमी, ये सारी चीज़ों को समझना है। लेकिन इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट टू नो समथिंग अबाउट द कंट्रीज इकोनॉमिक पास्ट, तो अगर आप आज के टाइम के इकोनॉमी पढ़ रहे हैं तो कम से कम एक बार पुराने, जिस टाइम से हमारे इकोनॉमी स्टार्ट हुआ, जब हमारे हाथ में हमारी इकोनॉमी आई, तो उसको भी समझना थोड़ा ज़रूरी है, इवन एज़ यू लर्न अबाउट इट्स प्रेजेंट स्टेट एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट। सो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंडिया की इकोनॉमी का हाल इंडिपेंडेंस से पहले, ठीक है, और उसके बाद से हम सोचेंगे कि कैसे इंडिया की इकोनॉमी इंडिपेंडेंस के बाद बदली, ठीक है। तो पहले देखते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी पहले कैसी थी आज़ादी से और बाद में कैसी हुई। द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियाज़ प्रेजेंट डे इकोनॉमी, आज के टाइम जो आप इकोनॉमी देख रहे हैं अपने देश का, मतलब प्रोडक्शन कंजम्पशन और एक्सचेंज जो देख रहे हैं, इज़ नॉट जस्ट ऑफ करेंट मेकिंग, वैसा नहीं कि अभी ही बना है ऐसा इकोनॉमी, नहीं, ये इकोनॉमी बनने में काफ़ी पुराना समय लगा है, काफ़ी ज़्यादा समय लगा, काफ़ी पुराने टाइम से हम इस इकोनॉमी को बनाते चले आ रहे हैं, पर्टिकुलरली इन द पीरियड व्हेन इंडिया वाज अंडर ब्रिटिश रूल, और ख़ास करके वो समय जिस टाइम हमारे ऊपर ब्रिटिश का कब्ज़ा हुआ करता था, जो कि लगभग 200 साल तक चला, और हमें फाइनली 15 अगस्त 1947 को फैसला मिला कि अब हम खुद अपनी इकोनॉमी चला सकते हैं, अब हमारे ऊपर ब्रिटिश का रूल नहीं रहेगा, मतलब हम आज़ाद हो चुके हैं अपनी इकोनॉमी को संभालने के लिए। तो ब्रिटिश यहाँ पर क्यों आए थे, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने कि ब्रिटिश यहाँ क्यों आए थे, वाई दे हैव कम टू इंडिया, तो आंसर है ब्रिटिश यहाँ पर इसलिए आए थे, द सोल पर्पस ऑफ द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, इकलौता उनका सबसे मेन पर्पस, मेन उद्देश्य था इंडिया आने का, वाज टू रिड्यूस द कंट्री टू बींग अ रॉ मटेरियल सप्लायर, कि इस देश को वो अपने लिए, अपने ग्रेट ब्रिटेन के लिए एक रॉ मटेरियल सप्लायर बना दें, ठीक है, मतलब ये देश उनके इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए रॉ मटेरियल सप्लाई करे, ठीक है। तो एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एक्सप्लॉइटिव नेचर ऑफ दिस रिलेशनशिप इज एसेंशियल फॉर एनी असेसमेंट ऑफ द काइंड। अब देखिए अगर आज के टाइम पर आपको अपनी इकोनॉमी को डेवलप करना है, आज के टाइम पर आपको समझना है कि आपकी इकोनॉमी कैसे आगे फ्यूचर में चलेगी, तो ये जो एक्सप्लॉइटिव नेचर रहा है अंग्रेज़ों का, उसको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ब्रिटिश के अंदर में हमारी इकोनॉमी कैसी थी, तो आप समझे ना कि ब्रिटिश यहाँ पर क्यों आए थे, ब्रिटिश यहाँ पर इसलिए आए ताकि इंडिया से वो रॉ मटेरियल ले जा सके, ठीक है, इंडिया से रॉ मटेरियल ले जाएंगे अपनी इंडस्ट्री में, अपनी इंडस्ट्री को आगे बढ़ाएंगे। तो पहला तो हो गया आंसर क्लियर। चलिए अब है हमारे पास टॉपिक लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द कॉलोनियल रूल। जिस टाइम पर अंग्रेज़ों का यहाँ पर रूल हुआ करता था, तो उस टाइम पर हमारी इकोनॉमी जो थी ना, वो ज़्यादा डेवलप नहीं की थी, बहुत कम डेवलप की थी। इंडिया हैड, इंडिया के पास था एन इंडिपेंडेंट इकोनॉमी, एक आज़ाद इकोनॉमी, हम अपने मन से चीज़ों को प्रोडक्शन कर सकते थे, अपने मन से जो भी चाहे वो कंज्यूम कर सकते थे, अपना सिस्टम रखते थे हम एक्सचेंज करने का, बिफोर द एडवेंट ऑफ द ब्रिटिश रूल, अंग्रेज़ों के आने से पहले। दो एग्रीकल्चर वॉज द मेन सोर्स ऑफ लिवलीहुड फॉर मोस्ट पीपल, येट द कंट्रीज इकोनॉमी वॉज करेक्टराइज बाई वेरियस काइंड ऑफ मैनुफैक्चरिंग एक्टिविटीज। हमारे यहाँ दो सेक्टर का काम हुआ करता था, प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में हम लोग खेती बाड़ी करते थे, ठीक है,
और सेकेंडरी सेक्टर यानी कि मैन्युफैक्चरिंग, हम लोग छोटी मोटी सामान भी बनाया करते थे जिसे हम हैंडीक्राफ्ट कहते हैं, हाथ से सामान बनाते थे। तो इंडिया का पूरे दुनिया में नाम था हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ में। जैसे क्या है कि हम लोग कॉटन का कपड़ा बनाते थे, हम लोग सिल्क का कपड़ा बनाते थे, फिर मेटल्स की चीज़ें बनाते थे हाथ से, अच्छा अच्छा एकदम स्टोन्स का ऑर्नामेंट्स बनाते थे, ठीक है, और ये सारा काम हम लोग हाथ से करते थे और इतना बढ़िया करते थे ना, हमारी क्राफ्ट्समैनशिप, हमारी कारीगरी इतनी बढ़िया थी कि पूरे के पूरे दुनिया में, पूरे दुनिया के मार्केट में हमारी एक अलग लेवल की इज्जत हुआ करती थी। हमारी क्वालिटी को बेस्ट क्वालिटी कहा जाता था, हमारी कारीगरी की तारीफ होती थी पूरे पूरे दुनिया में, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल भी यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा कि जब अंग्रेज़ नहीं आए थे इंडिया में तो क्या हुआ था कि इंडिया का ये जो पार्ट है, इधर वेस्ट बंगाल वाला पार्ट और ये बांग्लादेश, दोनों इकट्ठा हुआ करता था और उसको बंगाल कहते थे हम, ठीक है। और उस टाइम पर बंगाल का कैपिटल था ढाका, जो कि आज के टाइम पर ढाका कहलाता है, ठीक है। हाँ, लेकिन अब तो बांग्लादेश हो गया है ना, अलग हो चुका है। एनीवेज, तो मुस्लिन इज़ अ टाइप ऑफ कॉटन टेक्सटाइल। टेक्सटाइल मतलब कपड़ा, कॉटन टेक्सटाइल मतलब सूती का कपड़ा। तो सूती कपड़े का एक वैरायटी था मुस्लिन, ठीक है, जो कि बंगाल में बनता था, खास करके ढाका के पास। तो डक्काई मुस्लिन हैड गेन्ड वर्ल्ड वाइड फेम। अब ये जो डक्का में जो मुस्लिन बनता था ना, मतलब सूती का जो कपड़ा बनता था, पूरे दुनिया में इसकी खूब चर्चा हुआ करती थी, खूब इसका शोहरत था, खूब नाम था इस कॉटन टेक्सटाइल का। और सबसे अच्छा वैरायटी वाला जो मुस्लिन था ना, उसको मलमल कहा जाता था, ठीक है। तो मुस्लिन खुद क्या है, सूती के कपड़े का एक टाइप है, और मलमल क्या है, मलमल मुस्लिन का एक टाइप है। समटाइम्स, कभी कभार फॉरेन ट्रैवलर्स, बाहर से जो लोग आते थे घूमने के लिए, ऑल्सो यूज टू रेफर इट टू एज मलमल शाही। वो लोग इसी मलमल को मलमल शाही कहते थे, मलमल खास कहते थे, क्योंकि इसे बड़े बड़े राजा महाराजा लोग या फिर अमीर आदमी लोग पहनते थे, इसलिए इसको ऐसा कहा जाता था, मलमल शाही या मलमल खास, ठीक है। तो अभी आपको ये समझ में आया कि अंग्रेज़ से पहले हमारी इकोनॉमी कैसी थी। अंग्रेज़ के आने से पहले क्या था कि हम हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ में बहुत आगे थे, हम एग्रीकल्चर में बहुत आगे थे, और कुछ चीज़ों के वजह से पूरे दुनिया में हमारी मार्केट थी, ठीक है। मतलब पूरा दुनिया, ग्लोबल मार्केट हमारा चलता था, और सब हैंडीक्राफ्ट, कोई भी मशीन नहीं। अब क्या हुआ, जब अंग्रेज़ हमारे यहाँ आ गए, एक तो सीन हो गया पहले वाला, पहले बहुत फेमस थे, बहुत इज्जत थी पूरी दुनिया में, है ना, गुड्स बेचते थे, गुड्स सामान, ठीक है। और अब जब ब्रिटिश हमारे यहाँ आ गए, अंग्रेज़ हमारे यहाँ आ गए, तब उन्होंने क्या किया, उन्होंने नई नई इकोनॉमिक पॉलिसीज़ लाई। इकोनॉमिक पॉलिसीज़ कहने का मतलब रूल्स और रेगुलेशन लाना मार्केट के लिए, कि क्या सामान आप बना सकते हैं, किस सामान को आप कंज्यूम कर सकते हैं, कौन सा चीज़ आप रखेंगे एक्सचेंज करने के लिए, मतलब आप रुपया के बदले कोई सामान खरीदेंगे या सामान के बदले कोई सामान खरीदेंगे। तो प्रोडक्शन, कंजम्पशन और एक्सचेंज, जिससे इकोनॉमी चलती है, तो इसके लिए रूल्स और रेगुलेशन बनाना, यानी इकोनॉमिक पॉलिसीज़। तो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो कॉलोनियल गवर्नमेंट ने बनाई थी इंडिया में, वो इंडिया के सामान को, इंडिया की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए नहीं था, मतलब हमारे मार्केट को आगे बढ़ाने के लिए नहीं था, बल्कि वो सारी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ ब्रिटेन की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए था, ठीक है। तो अंग्रेज़ी सरकार क्या कर रही थी कि इंडिया के लिए नहीं बना रही थी पॉलिसी बना रही थी अपने होम कंट्री के लिए, अपने इंग्लैंड के लिए, अपने ब्रिटेन के लिए, ठीक है। तो भाई, इन पॉलिसीज़ का क्या इम्पैक्ट पड़ा, वो समझते हैं। तो ये जो पॉलिसीज़ उन्होंने बनाया, इसके वजह से हमारी इकोनॉमी जो है पूरी तरह से चेंज हो गई। मतलब हमारी इकोनॉमी क्या हुई, चेंज होने में क्या हुआ हमारी इकोनॉमी में, देखो। तो हम लोग क्या बन गए, हम लोग सप्लायर बन गए। किस चीज़ के सप्लायर, रॉ मटेरियल के। लो भाई, पहले हम लोग तो सामान बेच रहे थे, है ना, पूरे दुनिया में प्रोडक्शन कर रहे थे, सामान हाथ से बना रहे थे, सिल्क का कपड़ा, कॉटन का कपड़ा, और पूरी दुनिया में बेच रहे थे। अब लेकिन हम गुड्स बनाकर नहीं बेच रहे थे, अब हम सिर्फ रॉ मटेरियल बेच रहे थे। मतलब जो पहले आप कॉटन टेक्सटाइल बेचते थे, तो अब टेक्सटाइल नहीं, अब कॉटन बेचो आप बाहर के देश में। तो बाहर के देश में भी कहाँ, ब्रिटेन में। अब वहाँ जाएगा कॉटन, और वो लोग क्या करेंगे, ब्रिटेन वाले लोग अपनी इंडस्ट्री में कॉटन
यूज़ करेंगे और उससे बनाएंगे कॉटन का टेक्सटाइल कपड़ा, और ये टेक्सटाइल को मार्केट मतलब इसको बेचेंगे कहाँ पे वो लोग अंग्रेज़ लोग, तो इसको बेचेंगे इंडिया में। तो हमारे इंडिया का इकोनॉमी कैसे चेंज हो गया कि हम लोग पहले गुड्स बेचते थे और अब हम गुड्स को खरीदने लगे, कंज्यूमर बन गए। ठीक है, तो हम लोग बाहर सप्लाई करने लगे रॉ मटेरियल और खुद कंज्यूम करने लगे, मतलब बाहर से सामान खरीदने लगे फिनिश प्रोडक्ट्स। ठीक है, समझ में आया? तो पहले सामान बेचते थे और बाद में सामान खरीदने का नौबत आ गया, ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसी लगाई अंग्रेज़ों ने। ऑब्वियसली कॉलोनियल गवर्नमेंट नेवर मेड एनी सिंसियर अटेम्प्ट टू एस्टिमेट इंडियाज नेशनल पर कैपिटा इनकम। अब देखो, जब इतना सारा हो ही रहा है, उनको कोई मतलब तो है नहीं कि इंडिया की इकोनॉमी क्या हो रही, डूब रही है या आगे बढ़ रही है, कोई मतलब नहीं है। उनको तो एक ही काम करना है, बस यहाँ से रॉ मटेरियल ले जाओ और वहाँ से सामान खरीद के ला के यहाँ पर बेचो, है ना, वहाँ अपनी इंडस्ट्री में बनाओ सामान ला के यहाँ पर बेचो, बेच के रुपया कमाओ। तो उन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा कि आखिर यहाँ पर जो यहाँ की नेशनल इनकम है, जो यहाँ की पर कैपिटा इनकम है, वो कितनी है। देखिए, पर कैपिटा इनकम क्या होता है? पर कैपिटा इनकम मतलब एक इंसान पर डे कितना कमा रहा है। नेशनल इनकम मतलब एक देश में एक साल में टोटल कितने रुपए का सामान या फिर सर्विसेज बन रहा है। ठीक है, तो नेशनल इनकम पर कैपिटा इनकम कभी भी मेज़र नहीं करना चाहा अंग्रेजी सरकार ने। सम इंडिविजुअल अटेम्प्ट्स, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने कोशिश किया, जिन्होंने नेशनल इनकम को पर कैपिटा इनकम को मेज़र किया, लेकिन फिर भी किसी का भी रिज़ल्ट परफेक्ट नहीं आता था। कोई ज़्यादा बताता था कि हाँ भाई नेशनल इनकम आपके देश में बहुत ज़्यादा रुपए का सामान बन रहा है, वहीं कुछ ऐसा बनाते थे डाटा जिससे पता चलता था कि देश में तो सामान बन ही नहीं रहा, देश में तो इनकम आ ही नहीं रहा है, कमाई हो ही नहीं रही है। तो कुछ लोग जिन्होंने ये पर कैपिटा इनकम और नेशनल इनकम को मेज़र करने की कोशिश की, आगे कदम बढ़ाया, वो थे आपके दादा भाई नौरोजी, विलियम दिग्भाई, फिनले शिरास, वी के आर वी राव एंड आर सी देसाई। ठीक है, इट वॉज राव हुज एस्टिमेट्स ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड वॉज कंसिडर्ड वेरी सिग्निफिकेंट। और उसमें से जो आपके राव थे वी के आर वी राव, उन्होंने जो मेज़रमेंट किया, जो एस्टिमेशन किया, उसको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जाता है। लेकिन बहुत सारे स्टडीज़ में ये पता चला कि जो कंट्री का ग्रोथ था ना, ठीक है, तो मतलब लगभग आपका लेस देन 2% था, 2%, और प्रोडक्शन जो था मतलब पर कैपिटा आउटपुट, दो चीज़ है ना, एक नेशनल इनकम और एक पर कैपिटा इनकम, तो नेशनल इनकम लगभग 2%, ठीक है, और पर कैपिटा इनकम 0.5% आपका था, 0.5%। ठीक है, तो सोचिए, मतलब ग्रोथ तो हुआ ही नहीं। अब 2% 0.5% जीडीपी में क्या करिएगा, 2% जीडीपी तो ज़रा भी अच्छी नहीं है। ठीक है, तो ये था हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या समझ में आया? इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ये समझ में आया कि अंग्रेज़ों के आने से पहले हम लोग प्रोडक्शन करते थे गुड्स का, तो हमारी जीडीपी बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। लेकिन जब अंग्रेज़ यहाँ पर आए तो उन्होंने जैसी इकोनॉमिक पॉलिसी लगाई, तो फिर हम लोग गुड्स का प्रोडक्शन नहीं कर रहे थे, बल्कि हम लोग उनके ब्रिटिश की इंडस्ट्री में बने हुए गुड्स को कंज्यूम कर रहे थे, जिससे हमारे देश में तो प्रोडक्शन हुआ नहीं, बहुत कम प्रोडक्शन हुआ। प्रोडक्शन कम होने की वजह से हमारी जीडीपी भी गिर गई, लगभग 2% थी जीडीपी। तो मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत कम थी हमारी, बहुत लो लेवल की थी। अब हम समझते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर का क्या हाल था, खेतीबाड़ी का। स्टार्टिंग में ही हमने पढ़ा, दो ही काम होता था यहाँ पे, खेतीबाड़ी होती थी और चीज़ें बनती थी, मैन्युफैक्चरिंग होता था, है ना। तो खेतीबाड़ी समझते हैं सबसे पहले। इंडिया का इकोनॉमी ब्रिटिश के टाइम पर एग्रेरियन था। देखो, एग्रेरियन कब बोलते हैं हम, जहाँ भी प्राइमरी सेक्टर 50% से ज़्यादा होगा, मतलब जब आपके देश में खेतीबाड़ी 50% से ज़्यादा इनकम कंट्रीब्यूट करेगी। जीडीपी क्या होता है, देश में टोटल एक साल में कितना गुड्स और सर्विस बन रहा है, तो टोटल अगर रुपया एस्टिमेट किया जाए, तो मान लीजिए खेतीबाड़ी से आप ज़्यादा रुपया कमा रहे, जीडीपी में 50% से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, तो उसको हम बोलते हैं एग्रेरियन इकोनॉमी। तो हमारा देश लगभग 85% जनता जो है, 85% पॉपुलेशन खेतीबाड़ी करती थी। ठीक है, और ये सारे लोग मैक्सिमम कहाँ के थे, गाँव वाले थे।
खेती बाड़ी से ही कमाया रुपया, कमा के यूज़ किया खान पान करने में, सामान खरीदने में। लेकिन डिस्पाइट बींग द ऑक्यूपेशन ऑफ सच अ लार्ज पॉपुलेशन, 85% लोग खेती बाड़ी कर रहे थे, फिर भी द एग्रीकल्चर सेक्टर कंटिन्यू टू एक्सपीरियंस स्टैग्नेशन। खेती बाड़ी का हाल बहुत ख़राब था। सोचो 85% जनता खेती करने में लगा हुआ है, फिर भी खेती बाड़ी एकदम बेकार, ठीक है, अनयूजुअल डिटेरेशन हो रहा था। अब ऐसा रीज़न क्यों, खेती हमारी ख़राब क्यों थी, क्यों सारा खेत खराब हो रहा था, फसल सही से नहीं हो पा रहा था, उसको समझते हैं। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बिकेम लो, दो खेती बाड़ी से ज़्यादा अनाज उगा नहीं पाते थे। सेक्टर एक्सपीरियंस सम ग्रोथ ड्यू टू द एक्सपेंशन ऑफ द एग्रीगेट एरिया अंडर कल्टिवेशन। तो जिस ज़मीन पे आप खेती बाड़ी नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं, उससे ज़्यादा तो अनाज निकल नहीं पा रहा, तो लोग क्या करते थे कि जो जंगल का ज़मीन रहता था ना, जंगल का ज़मीन, उसको भी काट के वहाँ भी खेती बाड़ी करना शुरू कर देते थे। अंग्रेज़ों को लगता था कि जंगल बेकार चीज़ है, उससे कुछ नहीं मिलेगा, तो अंग्रेज़ क्या करता था कि वहाँ भी खेती करो सब लोग। तो एरिया तो बढ़ा खेती करने का, लेकिन प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ा, अनाज नहीं बढ़ पाया, उपज नहीं हुआ ज़्यादा, ठीक है। अब ऐसा क्यों था, क्यों नहीं हो पा रहा था ज़्यादा उपज, क्यों हमारी ज़मीन ख़राब हो गई थी, तो बहुत सारा सिस्टम आया लैंड सेटलमेंट का। लैंड सेटलमेंट, ठीक है, मतलब ज़मीन को कैसे यूज़ करना है, उसका बहुत अलग अलग तरीका था, जो कि अंग्रेज़ों ने हमें बताया। अंग्रेज़ों ने अलग अलग सिस्टम लगा दिया कि लैंड को कैसे कैसे यूज़ करना है भाई। तो एक सिस्टम था इसी में, ज़मींदारी सिस्टम। ज़मींदारी सिस्टम में क्या होता था, सबसे पहले जो बंगाल में लगा था उसको हम समझते हैं, ठीक है। तो ज़मींदारी सिस्टम में रहता था कि ज़मींदार को कुछ रुपया टैक्स के फॉर्म में अंग्रेज़ सरकार को देना है, ठीक है, और जो जितना रुपया अंग्रेज़ सरकार ने बोला ना टैक्स के फॉर्म में, अगर ज़मींदार पे नहीं करता है तो उसकी ज़मींदारी ख़त्म हो जाएगी। तो ज़मींदार रुपया कहाँ से लाएगा, तो खेती बाड़ी से लाएगा। उसके अंडर में जितने लोगों को दिया गया खेती बाड़ी करने के लिए, उन्हीं से वो टैक्स वसूलेगा ज़मींदार, ठीक है, और फिर वो टैक्स के टैक्स में से जितना भी रुपया टैक्स उसको पे करना है ब्रिटिश सरकार को। देखो बीच में हो गया ज़मींदार इंटरमीडियरी, और इधर हो गया आपके पीजेंट किसान, और इधर हो गया अंग्रेज़ सरकार ब्रिटिश। ज़मींदार क्या करेगा, पीजेंट से टैक्स लेगा और ब्रिटिश को टैक्स पे करेगा। लेकिन दिक्कत कहाँ हो जाती थी कि ज़मींदार पीजेंट से खूब टैक्स लेता था, खूब सारा रुपया वसूलता था, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने तो फिक्स किया हुआ था टैक्स को कि बाबू इतना ही टैक्स पे करना है। मान लीजिए कि ज़मींदार है ना 100 रुपया टैक्स ले रहा है, अब ब्रिटिश ने फिक्स किया है कि ज़मींदार को हमको 50 रुपया टैक्स देना है, तो ज़मींदार 100 रुपया लिया, उसको भरना कितना, सिर्फ 50 रुपया, तो उसके पास कितना बच जाएगा, 50 रुपया। तो ज़मींदार अपना प्रॉफिट देखता था, अंग्रेज़ अपना प्रॉफिट देख रहे हैं, अब पीजेंट के पास रुपया बचा ही नहीं, तो ज़मीन का कैसे भलाई होगा भाई। तो हाउएवर ए कंसिडरेबल नंबर ऑफ ज़मींदार एंड नॉट जस्ट द कॉलोनियल गवर्नमेंट डिड नथिंग टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर। किसी ने भी कोशिश नहीं किया एग्रीकल्चर को सुधारने का, खेती बाड़ी को सुधारने का। क्यों, क्योंकि ज़मींदार को भी पैसा चाहिए, अंग्रेज़ को भी पैसा चाहिए, उनको क्या मतलब है खेती बाड़ी से, अब पीजेंट के पास तो रुपया बचा ही नहीं है ना। तो द मेन इंटरेस्ट ऑफ ज़मींदार, ज़मींदार का मेन इंटरेस्ट क्या होता था, रेंट कलेक्ट करना। अब उसको ये मतलब नहीं है कि कल्टीवेटर कहाँ से रुपया उसको ला कर देगा, बस उसको रुपया चाहिए कहीं से भी। अब इसके वजह से ज़मींदार और कल्टीवेटर दोनों के बीच बहुत ज़्यादा टेंशन हो गया, मतलब होता नहीं है मनमुटाव हो जाता है, उसके लिए बुरा सोचता है, उसके लिए बुरा सोचता है, ये चीज़ें शुरू हो गई। अब भाई ज़मींदार को भी डर था, अगर हम टैक्स पे नहीं करेंगे तो मेरी ज़मींदारी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो टू अ वेरी ग्रेट एक्सटेंट द टर्म्स ऑफ द रेवेन्यू सेटलमेंट वर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द ज़मींदार, है ना। रेवेन्यू सेटलमेंट जो ज़मींदार पर लगा रहता था कि अगर एक फिक्स डेट के टाइम तक, जैसे क्या हो जाता ना कि शाम तक अगर टैक्स, मतलब एक दिन फिक्स कर दिया जाता था मंथ में, तो हर मंथ में उस डे में उस दिन पर ज़मींदार को अंग्रेज़ों को टैक्स देना पड़ता था। अगर शाम होते होते तक उस दिन तक नहीं टैक्स पे कर पाया
तो उसकी ज़मींदारी ख़त्म। इसको बोलते थे रेवेन्यू सेटलमेंट। ठीक है, तो रेवेन्यू सेटलमेंट भी कहीं ना कहीं ज़िम्मेदार था कि ज़मींदार इतना ज़्यादा कल्टीवेटर पर प्रेशर डालते थे कि टैक्स भरो, रेंट पे करो, क्योंकि उनका तो खुद हालत ख़राब है, नहीं भरेंगे तो उनकी ज़मींदारी चली जाएगी। ठीक है, तो पहला तो हो गया कि ज़मींदार एक रीज़न हुआ करते थे। ठीक है, टैक्स एक वजह हुआ करता था कि खेती बाड़ी डेवलप नहीं हुई। दूसरा रीज़न था खेती बाड़ी को डेवलप ना होने का, वो था टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी बहुत लो लेवल की थी हमारे पास, हमारे पास इरिगेशन फैसिलिटी नहीं थी। तो सोचिए, अगर मतलब पूरे तरीके से लोग बारिश ही ऊपर डिपेंड है, और अगर बारिश हुआ ही नहीं या बारिश लेट से शुरू हुआ तो क्या होगा, फसल तो ख़राब होगा ही ना। यह बारिश बहुत ज़्यादा हो गया तब भी फसल ख़राब होगा। तो हमारे पास इरिगेशन की फैसिलिटी नहीं थी कि बारिश नहीं होगा तो हम कैसे अपने खेती बाड़ी को संभालेंगे, ना ही हमारे पास फर्टिलाइज़र था। आज के टाइम पर क्या होता है, ऐसे जनरली एक फसल को उगने में 3 से 4 महीने लगता है। ठीक है, लेकिन फसल तैयार करने के लिए हम लोग फर्टिलाइज़र जब डालते तो 3 से 4 महीने के बदले 1 महीने में उग जाता है। तो इस तरह का फर्टिलाइज़र भी नहीं था। फर्टिलाइज़र इज़ लाइक कॉम्प्लान, पियो और ग्रोथ कर जाओ। तो इन सारे वजह से भी हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी काफ़ी कम रहा। क्या क्या वजह था? पहला ज़मींदार वाला वजह सिस्टम, टैक्स वाला। दूसरा, टेक्नोलॉजी नहीं थी, इरिगेशन नहीं था, फर्टिलाइज़र नहीं था। ठीक है, तो देयर वॉज ऑफकोर्स सम एविडेंस ऑफ अ रिलेटिवली हायर यील्ड ऑफ कैश क्रॉप्स, लेकिन कुछ एविडेंस हमें ऐसा भी मिले हैं जिसमें ये पता चला है कि लोगों ने अपनी खेती बाड़ी को कमर्शियलाइज़ कर लिया। मतलब देखिए, दो तरीके की फार्मिंग होती है, एक होती है सबसिस्टेंस फार्मिंग और एक होता है कमर्शियल फार्मिंग। सबसिस्टेंस में लोग अपने खाने के लिए उगाते हैं और कमर्शियल में लोग मार्केट में बेचने के लिए उगाते हैं। तो जब लोगों के पास रुपया नहीं बच रहा था कल्टीवेटर्स के पास, तो कल्टीवेटर ने क्या किया, कमर्शियलाइज़ कर लिया अपनी खेती बाड़ी को। कुछ जगह पर अंग्रेज़ों ने खेती बाड़ी कमर्शियलाइज़ करवाई, मतलब मार्केट के लिए सामान उगवाया किसानों से। वहीं कुछ जगह किसानों ने खुद अपनी खेती बाड़ी को मार्केट के लिए कर दिया कि चलो हम नहीं खाएंगे कोई बात नहीं, लेकिन मार्केट में बेच के हम रुपया कमा लेंगे। ठीक है, बट दिस कुड हार्डली हेल्प फार्मर्स इन इम्प्रूविंग देयर इकोनॉमिक कंडीशन। फिर भी बेचारों के पास रुपया नहीं जुट पाता था, खेती बाड़ी को कमर्शियलाइज करने के बाद भी, मार्केट के लिए उगाने के बाद भी उनके पास रुपया नहीं बच पाता था। इंस्टेड ऑफ प्रोड्यूसिंग फूड क्रॉप्स, नाउ दे वर प्रोड्यूसिंग कैश क्रॉप्स विच वर टू बी अल्टीमेटली यूज बाई ब्रिटिश इंडस्ट्रीज बैक होम। और ये कैश क्रॉप बेचते किसको थे? मान लीजिए गन्ना उगाया, रबर उगाया, किसको बेचा? अंग्रेज़ों को बेचा। वो ले जाएंगे अपनी इंडस्ट्री में सामान बना के ला के यहीं दे देंगे। डिस्पाइट सम प्रोग्रेस मेड इन इरीगेशन, इंडियाज़ एग्रीकल्चर वॉज स्टार्व्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट इन टेरेसिंग। अब देखो, कुछ टाइम के बाद हमने क्या किया, अंग्रेज़ों ने यहाँ पर इरीगेशन का सिस्टम डेवलप करा दिया। तो इरीगेशन का सिस्टम डेवलप हो गया, मतलब अब जहाँ पे पहले लोग पानी के ऊपर डिपेंड रहते थे कि बारिश होगा तो खेती बाड़ी होगी, नहीं तो नहीं होगी, अब लोगों के पास इरीगेशन का सिस्टम है, नहीं भी बारिश होगा तो क्या होगा, पानी है ना। लेकिन हमारे पास ये सिस्टम नहीं था कि हम टेरेसिंग यूज़ कर सकें, मतलब पहाड़ पर भी खेती करने का सिस्टम नहीं था, पहाड़ पर खेती नहीं कर सकते थे। तो जो आपके क्रॉप्स पहाड़ पर उगने वाले हैं नहीं उग पाएंगे। दूसरा, कभी बारिश बहुत ज़्यादा हो गया, बाढ़ आ गया, तो उससे भी हमको खेत अपना बचाने का तरीका नहीं था, बाढ़ के पानी से खेत भीगा रहेगा, जाइए अब खेती तो होगी नहीं उस पर, और जब बाढ़ का पानी कम हो गया तब फिर खेती करिए, है ना। तो मतलब फ्लड कंट्रोल करने का भी तरीका नहीं, टेरेसिंग करने का भी तरीका नहीं, उसके बाद ड्रेनेज नाली का भी सिस्टम अच्छा नहीं था, एंड डीसेलिनाइजेशन ऑफ सॉइल। मिट्टी क्या होता था, मिट्टी आपका इनफर्टाइल हो जाता था, ख़राब हो जाता था, बहुत सैलिनिटी हो जाती थी उसमें, यानी मिट्टी में नमक का अमाउंट ज़्यादा हो जाता था। जब भी मिट्टी में नमक का अमाउंट ज़्यादा हो जाता है तो वो खेती बाड़ी के लिए प्रॉपर नहीं रहता है। ठीक है, तो वो भी तरीका नहीं था कि कैसे हम मिट्टी में से सैलिनिटी कम करें। तो मतलब ये सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमारा जो है एग्रीकल्चर डेवलप नहीं कर पाया। हाँ, कुछ लोग जो हैं, कुछ फार्मर जो हैं, जैसे जिन्होंने अपना क्रॉपिंग पैटर्न चेंज किया, जो पहले सबसिस्टेंस अपने लिए उगाते थे खुद खाने पीने के लिए, वो मार्केट में बेचने के लिए कम उगाने लगे। ए लार्ज सेक्शन ऑफ टीनेंट्स, स्मॉल फार्मर्स, शेयर क्रॉपर्स
neither had resource technology nor had intensive to invest in agriculture. तो कुछ लोगों ने तो अपना कमर्शियल पैटर्न चेंज किया भाई, कुछ कुछ रुपया कमाया अंग्रेज़ों के दौरान, अंग्रेज़ जिस टाइम पर रूल कर रहे थे, लेकिन वहीं बाकी लोग ऐसे भी थे जो कुछ नहीं कर पाए, जो नहीं रुपया कमा पाए। खैर, एग्रीकल्चर सेक्टर से क्या समझ में आया कि हमारी जो खेती बाड़ी का सिस्टम है, हमारा जो एग्रीकल्चर है, अंग्रेज़ों के टाइम पर नहीं बढ़ पाया। क्यों? क्योंकि अंग्रेज़ों ने ज़मींदार को एम्प्लॉयड किया था, टैक्स का सिस्टम लगा हुआ था, तो हमारे पास, हमारे किसानों के पास रुपया बचता नहीं था कि अपने फील्ड को इम्प्रूव करा सके। दूसरा, टेक्नोलॉजी नहीं था, कुछ टेक्नोलॉजी आई भी तो उतनी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाई। हमारे पास फ्लड कंट्रोल करने का सिस्टम नहीं था, सॉइल को डीसेलाइन करने का सिस्टम नहीं था, हमारे पास फिर आपको क्या बोलते हैं, टेरेसिंग करने का सिस्टम नहीं था, ड्रेनेज का सिस्टम नहीं था, हमारे पास फर्टिलाइज़र नहीं था, मॉडर्न सीड्स नहीं था अंग्रेज़ों के ज़माने में। तो ये सारे वजह हैं कि जिसके वजह से हम लोग कभी भी उस टाइम पर अंग्रेज़ों के समय में खेती बाड़ी में अच्छा नहीं कर पाए। हाँ, लोग तो बहुत सारे थे, 85% जनता एकदम खेती बाड़ी कर रही थी, लेकिन क्या फ़ायदा, कुछ फ़ायदा नहीं, खेती बाड़ी आगे बढ़ा ही नहीं। ठीक है, चलिए इस वीडियो में यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर देखेंगे, मैन्युफैक्चरिंग वाला, ठीक है ना। चलिए।